cases where it was vice versa to Malegaon, where I know some cases. I would also like to quote some of the cases. And when we talk about Malegaon, we should talk about Hyderabad also. And Hyderabad, I know specific cases, not one. I can quote many cases here when it was made political just because it did not suit the political interest of the political party. There are many cases like this. In Hyderabad, I remember a very, very specific case when one of the police commissioners, when he started after the Makka Masjid blast, when they starting and they arrested some of the members, when some of the, they found that they are the suspect of a minority community, the chief minister himself called the police commissioner, please don't do this, otherwise you will lose your job. And when this police commissioner did not listen, See, he is not yielding, please. No, he is not yielding. He is not yielding. Please be seated. You may continue. Sir, speaker, sir. One second. Speaker, sir. Take an oath and table it over here. This conversation coming from police. No. This cannot be taken. Let him do it. I challenge you. You please continue. Please. You may please continue. Yes. Please continue, Satyavansh. I know. एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली है ओवरसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज प्लीज एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली है ओवरसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। इतना ही कहा है कि जब दोनों सदन, दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, तो दोनों ओर के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं? परंतु संसद के सदन का उपयोग तो राजनीति के लिए न करिए। आप ऐसा कहेंगे कि पोटा का मिसयूज हुआ था और जो पकड़े गए इससे धर्म के कितने थे ऐसे गए? ओबीसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। माननीय गृह मंत्री जी के लाओगे रिकॉर्ड मिल जाएगा। जब हमने नहीं करा, मैं कांग्रेस के सदन नेता को कहना चाहता हूं कि हमने रिपील नहीं किया था, वो एक्सप्लेनेशन ही पॉलिटिकल था। यहाँ सदन के सब जब ये बोल रहे थे हम इस तरह की बहस नहीं करें। आपका रक्षण चाहिए अध्यक्ष। माननीय आप गृह मंत्री जी सक्षम है, माननीय सदस्य आपको, माननीय सदस्य आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। When entire discussion was held, there was absolutely no interruption from this side. Now it is your turn. Please listen to him. The Honorable Home Minister is replying. See,
See, with rapt attention, you are trying to disturb. It is unfair, I am telling you. I am only appealing to you. This is a very important enactment we are bringing. Kindly listen very patiently. And if you have got any clarification, you will have ample of opportunity for that. No, please listen. I appeal to you. I appeal to you not to disturb. Please, Manish Sadasya, मान्य सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था और पूर्व में भी व्यस्तान होने के बाद भी जब कश्मीर की चर्चा हो रही थी तो माननीय अध्यक्ष जी के बाद मैंने आपका क्लियरिफिकेशन कराया था। व्यस्तान होने के बाद मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका देता हूं सदन के अंदर और सरकार से भी ये अपेक्षा करता हूं कि हर सदस्य का क्लियरिफिकेशन सरकार करे। इससे जब माननीय गृह मंत्री जी बात रखते हैं तो कोई माननीय सदस्य कोई बात क्लियरिफिकेशन करना है तो आप मुझे टेबल ऑफिस पर कागज भेजना, मैं निश्चित रूप से आवश्यकता होगी विषय ऐसा होगा तो निश्चित रूप से सरकार से क्लियरिफिकेशन कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा उसके समर्थन में मैं कुछ और कहना चाहता कि पोटा को रिपील करना उचित कदम नहीं था, ऐसा मेरा आज भी मानना है और न केवल मेरा, ढेर सारे सुरक्षा एजेंसियों के अंदर सालों तक सर्विस करने वालों अफसरों का मानना है कि पोटा को रिपील करना ठीक नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ, 2004 से 2008 तक देश में आतंकवाद इतना बड़ा कि जिस एनआईए को आज हम और ताकत देने जा रहे हैं वो यूपीए सरकार को ही लेकर आनी पड़ी। देश के अंदर स्थिति कब्जे में काबू में नहीं रही। जब मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुए, घंटों तक आतंकवादी अपना तांडव दिखाते रहे, तब जाकर एनआईए लाने का फैसला हुआ और पोटा अगर न निकालते तो देश के अंदर वो आतंकवाद की स्थिति नहीं होनी थी, शायद मुंबई ब्लास्ट भी न होता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी अवेयरमेंट करते, कोई भी कॉमेंट करते तो देश की जनता इस सदन के बारे में क्या सोचती है, सदन के सदस्यों के बारे में क्या सोचती है, सदन एज अ होल क्या इम्प्रेशन दुनिया में बन रहा है, देश की जनता के मन में क्या संदेश दे रहे, इसको सोच कर बोलना चाहिए। एक कोरी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। यहाँ ओवैसी साहब ने कहा मुसलमानों पर कार्यवाही होती है, हिंदुओं पर नहीं होती। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है कि जब तमिल ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिज्म करते थे तब भी कसकर कार्यवाही होती थी। किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा है, ना देखना चाहिए, मगर जब हम यहां खड़े होकर इतने गंभीर मसले पर अपनी तकरीर देते हैं, अपना भाषण देते हैं तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि इसके दूरगामी असर होते हैं। इससे टेररिस्टों का भी मॉडल बढ़ता है। टेररिस्टों को काबू में रखने के लिए कि एजेंसी के और ताकत देने की बात हो और सदन की एकमत न हो तो इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मेरा सभी दलों के लोगों को एक अपील भी है कि ये कानून देश के टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमारी एजेंसियों को ताकत दे। कल को कोई हमारे दूतावास को उड़ा देगा, कैसे एनआईए तपास करे, जांच कैसे करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न खड़े हुए हैं, लंका में हमारे लोग मारे गए, बांग्लादेश में हमारे लोग मारे गए, हमारी एजेंसी के पास कानूनी अधिकार नहीं है वहां जाकर जांच करने का, वो कानूनी अधिकार देने का लेकर आए। इस पर टिप्पणी करने की जगह अगर पुराने खाके और पुराने हिसाब निकालना है तो एक समय मांग लीजिए अध्यक्ष जी को, मैं भी तैयार हूं चर्चा करने के लिए और मन खोल कर सकते। मगर एनआईए को जहां तक हमने ताकत देने का सवाल है, ये सदन एकमत रहे, एकजुट रहे, ये देश की जनता को संदेश देने के लिए भी जरूरी है, दुनिया को संदेश देने के लिए भी जरूरी है और सबसे ज्यादा आतंकवादियों को संदेश देने के लिए जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक साहब ने एक मसला उठाया जम्मू कश्मीर का, उनकी पार्टी के एक मेंबर रिटायर्ड जज साहब थे, वो एक किसी के घर पर गए थे, वहां फायरिंग हुई है और एक सिक्योरिटी पर्सनल इसमें थोड़ा गायब उसको लगा भी है। मैं इस बात की आपकी कंसर्न की नोट लेता हूं फारूक साहब, तंत्र इसके पीछे पड़ा है और मुझे भरोसा है कि इस पर हम जल्द ही इसके मूल तक पहुंचेंगे और कठोर से कठोर कार्यवाही। माननीय गृह राज्य मंत्री जी,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी पार्टियां इसमें भाग लिया है। मैं सबसे पहले सभी सांसद महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा सरकार आतंकवाद के खिलाफ है,